नागपुर जिले के रामटेक तहसील अंतर्गत आने वाले रामटेक गढ़ मंदिर में दीपावली के पर्व के बाद त्रिपुर पूर्णिमा को लेकर भारतीय जनसेवा मंडल की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है तथा 14 नवंबर भव्य त्रिपुर पूर्णिमा का दहन किया जाएगा। श्री त्रिपुर पूर्णिमा वैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर भारतीय जनसेवा मंडल की ओर से 43वीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पर्व को लेकर आयोजन समिति की ओर से भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनावी आचार संहिता के मध्य नजर रखते हुए आयोजित विविध समिति का गठन किया जा चुका है। भारतीय जनसेवा मंडल की ओर से हर साल त्रिपुरी पूर्णिमा के पूर्व संध्या पे बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ निकाली जाती है। सालों साल से यह उपक्रम चालू है, इस वर्ष भी यह उपक्रम होने जा रहा है। इस वर्ष निवडणूक चुनाव रहने के कारण आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हमने इस वक्त एक अलग फैसला लिया है। आचार संहिता में रात को 10 बजे के बाद हमें अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए हम जो भी झांकियाँ निकालेंगे वो झांकियाँ का समापन रात को 10 बजे के पहले हो जाएगा। और इस वक्त हम कोई झांकी में कंपटीशन स्पर्धा नहीं रख रहे, सभी झांकियाँ को हम एक ही तरह का गट अ को एक इनाम, गट ब को दूसरा इनाम, गट क को तीसरा इनाम, इस टाइप से हम इनाम बांटने जा रहे हैं। इस वक्त हमने कोई शोभा यात्रा कमेटी नहीं बनाई है, तो हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग जवाबदारी दी है, जिसमें मुख्यतः राहुल कोठेकर प्रमुख है, ऋषिकेश कीमतकार प्रमुख है, और उनके इसमें अलग अलग हमने कमेटियां बनाई हैं।